हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे कोर्स जिसका नाम है फोर्टीनेट फोर्टी गेट फायरवॉल ट्रेनिंग, फोर्टी ओएस वर्जन 7 डीप डाइव के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि इस कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे या क्या क्या कवर करेंगे। तो सीधा चलते हैं कोर्स कंटेंट के अंदर, जिसके अंदर आप सबसे पहले सीखोगे फायरवॉल ओवरव्यू के बारे में कि फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है। उसके पश्चात रहेगा फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन कि जो फोर्टिगेट फायरवॉल है वो कौन कौन से फीचर आपको देता है उसके बारे में। फिर आपका रहेगा फोर्टिगेट बेसिक्स, जिसमें हम फोर्टी ओ एस 7 का इस्तेमाल करेंगे, जैसा आपको पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि ये फोर्टी ओ एस 7 के बारे में है। उसके पश्चात आपका यहाँ पे रहेगा IPv4 स्टैटिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग GUI और CLI के द्वारा। उसके पश्चात आपका रहेगा जोन इम्प्लीमेंटेशन, फिर रहेगा हमारा रिप इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग GUI CLI के साथ, फिर रहेगा OSPF इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रबल शूटिंग GUI और CLI के साथ, फिर रहेगा ISIS इम्प्लीमेंटेशन जो कि केवल CLI से पॉसिबल है। उसके पश्चात आपका रहेगा BGP इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रबल शूटिंग GUI और CLI के साथ। उसके पश्चात आपका रहेगा यहाँ पे लिंक मॉनिटरिंग जो CLI से होगा, और लिंक मॉनिटरिंग इक्वेलेंट है आपका सिस्को डिवाइस के अंदर, ये ISLA के नाम से जाना जाता है। पालो अल्टो के अंदर यही फीचर पाथ मॉनिटरिंग के नाम से जाना जाता है। IPv4 राउटिंग के पश्चात आप सीखोगे IPv6 स्टैटिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग GUI के साथ, CLI के साथ, RIP NG इम्प्लीमेंटेशन CLI के साथ, OSPF V3 इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रबल शूटिंग OSPF V3 इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रबल शूटिंग CLI के साथ, ISIS V6 इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रबल शूटिंग CLI के साथ, MPBGP इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रबल शूटिंग CLI के साथ, फिर आपका रहेगा लिंक मॉनिटरिंग जो कि हमारा CLI के द्वारा रहेगा, फिर रहेगा आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन GUI के साथ, फिर है यूजर ऑथेंटिकेशन। उसके पश्चात IPv4 नेटिंग और यूजर ऑथेंटिकेशन के पश्चात आपका रहेगा IPv6 नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और IPv6 पे यूजर ऑथेंटिकेशन। उसके पश्चात आपका रहेगा IPsec इंट्रोडक्शन। IPsec इंट्रोडक्शन के पश्चात आप यहाँ पे सीखने वाले हो साइट टू साइट VPN IPv4 के साथ फोर्टीनेट से फोर्टीनेट। तो जो आपका रहेगा विजार्ड बेस्ड कस्टम टेम्पलेट्स बेस्ड हाइक वर्जन 2 के साथ, GUI के साथ और फिर आपका CLI के साथ, फिर रहेगा साइट टू साइट VPN हमारा फोर्टीगेट और सिस्को राउटर के बीच में, फिर साइट टू साइट VPN आपका रहेगा फोर्टीगेट और सिस्को ASA के साथ, फिर रहेगा फोर्टीगेट और पालो अल्टो के साथ, फिर हमारा रहेगा IPv6 साइट टू साइट VPN, फिर रहेगा IP वर्जन 4 साइट टू साइट VPN विद सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन के साथ, फिर रहेगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के बारे में कि ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या होता है IPv4 के साथ, IPv6 के साथ, और ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के अंदर साइट टू साइट VPN किस प्रकार से बनाया जाएगा। फिर रहेगा VWire, VWire का इंट्रोडक्शन और वायर का लैब यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे होगा आपका एच, हाई अवेलेबिलिटी, पहले आपका एच ए क्या है, एक्टिव पैसिव एच ए क्या है, एक्टिव एक्टिव एच ए क्या है, ये रहेगा। फिर हमारा यहाँ पे रहेगा लैब एक्टिव पैसिव एच ए के साथ साथ फोर्टी ओ एस अपग्रेड, IPv4 पे एक्टिव एक्टिव, IPv6 पे एक्टिव पैसिव और IPv6 पे एक्टिव एक्टिव एच ए। फिर रहेगा हमारा सर्वर लोड बैलेंसिंग, पहले सर्वर लोड बैलेंसिंग क्या होता है, फिर आप यहाँ पे सर्वर लोड बैलेंसिंग की लैब करोगे आईपी वर्जन 4 पे और आईपी वर्जन 6 पे। फिर रहेगा यहाँ पे एडमिन प्रोफाइल इंट्रोडक्शन और हमारा लैब, फिर रहेगा VRRP इंट्रोडक्शन और लैब,
फिर रहेगा हमारा एडी वीपीएन, फोर्टिनेट आउटडोर डिस्कवरी वीपीएन। ये क्या होता है, किस प्रकार से करेंगे, आपकी लैब रहेगी फोर्टिनेट डायलअप वीपीएन इंट्रोडक्शन और लैब के साथ, फिर रहेगा एसएसएल वीपीएन इंट्रोडक्शन और उसकी लैब रहेगी, फिर एसडी वैन फोर्टी ओएस के अंदर एसडी वैन सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क इंट्रोडक्शन और फिर आपकी यहाँ पे लैब रहेगी, फिर रहेगा आपका फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन क्या होता है उसकी लैब, फिर आपका रहेगा वीडोम वर्चुअल डोमेन इंट्रोडक्शन और लैब के साथ, फिर रहेगा हमारा यहाँ पे लिंक एग्रीगेशन जिसके अंदर आप इथर चैनल और रिडंडेंट इंटरफेस किस प्रकार से डिप्लॉय किए जाते हैं ये सीखोगे, और फिर रहेगा हमारा सेंट्रल मैनेजमेंट एनालाइजर और मैनेजर इंटीग्रेशन जिसमें आप सीखोगे कि फोर्टी ओ एस सेवन को एनालाइजर और मैनेजर के साथ इंटीग्रेट किस प्रकार से किया जाता है। यही चीजें जो आपको बताया गया है वही डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि पहले इस ट्रेनिंग में आप सीखोगे फायरवॉल इंट्रोडक्शन सीखोगे, फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन, लैब सेटअप, बेसिक IPv4, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, जोन इम्प्लीमेंटेशन, रिप इम्प्लीमेंटेशन ट्रबल शूटिंग, OSPF इम्प्लीमेंटेशन ट्रबल शूटिंग, IS इम्प्लीमेंटेशन और आपका यहाँ पे ट्रबल शूटिंग रहेगा, BGP इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग आपका यहाँ पे रहेगा, उसके पश्चात हमारा रहेगा लिंक मॉनिटरिंग, उसके पश्चात जैसे आपने IPv4 पे सीखा उसी प्रकार IPv6 पे रहेगा, स्टैटिक राउटिंग डिफॉल्ट राउटिंग के साथ साथ RIPNG OSPF v3 IS IS v6 और हमारा यहाँ पे रहेगा यानी कि IPv4 के साथ साथ IPv6 राउटिंग आप सीखोगे, फिर रहेगा हमारा यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और यूजर ऑथेंटिकेशन v4 v6 पे, फिर आपका रहेगा साइट टू साइट वीपीएन इंट्रोडक्शन, फोर्टिगेट से फोर्टिगेट राउट बेस पॉलिसी बेस आइक वर्जन 2 के साथ सिस्को राउटर के साथ, उसके पश्चात सिस्को ASA के साथ आपका यहाँ पे रहेगा पोलो अल्टो के साथ ट्रबल शूटिंग IPv6 के साथ सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन के साथ, और फिर आपका रहेगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल वर्चुअल वायर हाई अवेलेबिलिटी SLB एडमिन प्रोफाइल VRRP फोर्टिनेट ADVPN डायलअप VPN SSL VPN SD-WAN FSSO VDOM लिंक एग्रीगेशन रिडंडेंट इंटरफेस और फोर्टी मैनेजर और एनालाइजर इंटीग्रेशन। तो ये है आपका कंटेंट जो कि आप इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर सीखने वाले हो। आशा करते हैं आपको कोर्स पसंद आएगा। धन्यवाद।